माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी और हमारे पूरे भारतवर्ष के फौजियों की तरफ से मैं दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र विजेता अनुरोध करता हूं कि मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है। अरे मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है, उस बॉर्डर की रक्षा करी हमने और आज हमारे साथ अन्याय क्यों? MSP बराबर दो हमारे को, पूरी MSP बराबर मिलनी चाहिए, डिसेबिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। आपने खुद ने कहा था गाजियाबाद में कि सबसे पहले आगे सिपाही लड़ता है, फिर लहसनायक लड़ता है, फिर नायक लड़ता है, होलदार लड़ता है, सुबदार लड़ता है, उसके बाद आज गहरी नींद में क्यों सो रहे हो? आप कुंभकर्ण की नींद में क्यों सो रहे हो? हम वो फौजी है जो अटके हुए काम को तोड़ सकते हैं, दुश्मन की गर्दन काट करके उसमें झंडा काट सकते हैं, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? हम चाहते हैं कि हमारी MSP पूरी दी जाए, हमारी डिसेबिलिटी पेंशन बराबर दी जाए, क्योंकि एक हाथ अफसर का करता है उतना ही दर्द होता है मोदी जी, और उतना ही सिपाही का होता है, लेकिन हाथ हाथ में फर्क क्यों? वो अगर कर्नल की रैंक ले रहा तो कर्नल की पेंशन दी जाती है, लेकिन बैटल कैजुअल्टी एक सिपाही को 18,000 रुपए और उसको 2,50,000 रुपए क्यों? मोदी जी जाग, देश जाग चुके हैं। हम कहना चाहते हैं विधवा पेंशन, एक विधवा को 13,000 रुपए। अरे मोदी जी 13,000 में वो रोटी नहीं खा सकती, वो बच्चे कैसे पाल सकती है? हम कहना चाहते हैं मोदी जी जाग जाग, पूरा देश जाग चुका है।